तोप और कमान गिरेगा मंदिर का ऊपर, थोड़ा पत्थर भी गिरेगा, मंदिर खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, कहीं और पूजा नहीं हो सकेगा उधर, वही दिखाने के लिए ये पत्थर गिरा है। अच्छा, इसका प्रतीक मतलब ये सांकेतिक अर्थ से वो कहना चाहते हैं कि ये पत्थर गिरा मंदिर, मंदिर का समय खत्म हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ये बड़ी बात आपने कह दी। क्या करेगा कोई, अब लोग ये सुन के दुख मत करिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि बहुत सा कलयुग गया है, हम एक कलयुग का अंतिम समय बैठे हैं। लास्ट कलयुग जो था उस टाइम में क्या क्या था, कौन सा मंदिर था, क्या था, कौन सा धाम था, कुछ मालूम है किसी को? किसी को मालूम नहीं, कोई नहीं बोल सकेगा कि लास्ट कलयुग से धाम थे। सब बोलते सत्ययुग से धाम है, सत्ययुग से मंदिर है। अच्छा, सत्ययुग से पहले वाला जो कलयुग है वहाँ से चलता, वहाँ से कुछ है, कोई नहीं बोलता है। अच्छा, किसी में लिखा नहीं है, कोई पुराण में भी लिखा है। क्यों? कलयुग का अंत में जो है चीज वो सब खत्म हो जाएगा, नया चीज चालू होगा। तो ये जगन्नाथ मंदिर भी वैसा ही होगा, और बाकी जो तीन धाम है उसका हालत भी ऐसा ही होगा। जगन्नाथ मंदिर और आपका रामेश्वरम, द्वारिका, ये तीनों समुद्र में डूब जाएंगे, सुनामी आएगा। 300 फुट ऊंचा का सुनामी आएगा। 300 फीट? यस, बहुत ज़्यादा होता है। आज पर नोस्ट्रोडामस 300 फीट है। ये नोस्ट्रोडामस ने मतलब भारत के बारे में लिखा ही है, सबका टोटल टोटल वर्ल्ड में हाफ अंडर द सी डिस्ट्रॉयड। ओ मतलब जहाँ से सी सबमर्ज्ड, जब तक पृथ्वी एक साइड को हो जाएगा, ढल जाएगा। नहीं, क्या ऐसा क्या होगा जो पृथ्वी एक साइड पर ढल जाएगा? मतलब ये कि आपका भविष्यवाणी एक है। हाँ, साइंटिस्ट भी उसको प्रूव किया है अभी कि एक एस्ट्रॉयड, एक उल्कापिंड गिरेगा, उसका लंबा होगा करीब करीब 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर से, सेवन स्टाडिया लिखा है एस्ट्रोनॉमर्स, वो ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर होता है। साइंटिस्ट भी वही बोला है 3 किलोमीटर करीब करीब लंबा होगा उसका। वो जब गिरेगा कोई जगह में तो पृथ्वी थोड़ा ढल जाएगा, एक साइड में संभाल नहीं पाएगा। जब पृथ्वी ढल जाएगा तो इधर जो समुद्र का पानी है वो ऊपर आ जाएगा 300 फीट ऊंचा में, उधर का जो जगह था जल के नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। अच्छा, नया स्थल भाग शुरू होगा, नया जल भाग शुरू होगा। दैट इज गोइंग टू हैपन। सो ये सब जब चीज होगा तो ये आपका पूरी मंदिर, जगन्नाथ जी मंदिर, द्वारका मंदिर और रामेश्वरम मंदिर, ये तीनों मंदिर समुद्र में डूब जाएंगे। अच्छा, ये चारों धाम में से ये तीन जो हैं, ये तीन समुद्र में डूब जाएंगे, समुद्र के अंदर चला जाएगा। हाँ, अंदर में चला जाएगा। तो दोस्तों, मालिका रिसर्चर पुलिन बिहारी पंडा जी का ये मानना है कि हमारे जो चारों धाम है, एक रह गया आपका बद्रीनाथ धाम, उसके बाद आ गया द्वारकानाथ धाम, फिर जगन्नाथ धाम, फिर आगे हम रामेश्वरम। तो इन चारों धाम से जो तीन धाम है, द्वारकानाथ धाम, जगन्नाथ धाम और रामेश्वरम, तो ये हमेशा के लिए समंदर के नीचे चला जाएगा। और बाकी एक नीचे चला जाएगा मतलब उसका पानी चला जाएगा। अच्छा, पानी में डूब जाएगा जो है, पानी बाद में 200 साल बाद, 300 साल बाद वो पानी हट मतलब सकता है। कोई कहता है ना, मतलब कोई प्राकृतिक, मतलब कोई नेचुरल कैलामिटी जैसा आएगा, चाहे वो सुनामी हो, तो उसका अगर आप बोलते हैं 300 फीट, 300 फीट तो बहुत होता है, 300 फुट के ऊपर आ जाता है तो तीनों तो डूब जाएगा। बात तो सही है। हाँ, जाएगा। फिर एक बचा हुआ है आपका बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम का फिर क्या होगा? बद्रीनाथ धाम तो समुद्र नहीं है, पानी नहीं जाएगा उधर, वो तो समुद्र तो नहीं है वहाँ पे। बद्रीनाथ धाम का दो चीज़ आपको बोलना चाहते हैं, साइंटिस्ट मान जो लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो ऑलरेडी बोल चुके हैं, हिमालय में बहुत बड़ा भूकंप आएगा। पृथ्वी के अंदर में जो प्लेट है जिसका ऊपर हमारा कंट्री बैठा है, पहले इंडिया था ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया था इंडिया के साथ, भाई कहाँ कितना दूर चला गया। ऐसे ही टाइम आ रहा है जब हिमालयन प्लेट साथ इंडियन प्लेट उल्ट का टक्कर होगा, बहुत कम समय में वो टक्कर होने से टोटल हिमालय में भूकंप आएगा। अच्छा 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 अच्छा, भूकंप आने से बद्रीधाम नहीं रहेगा। एवं अभी मेरे ख्याल से अभी थोड़ा थोड़ा स्लो भूकंप हो रहा है उधर, जिसको किसी मालूम नहीं पड़ता है, हल्का झटका,
आपका जोशी मठ में और ये बद्रीधाम में सब सब लोग का वाल सब टूटा हुआ है, अभी दब रहा है। इन मंदिर के अंदर में भी जो जो उसका तो जमीन दूब नीचे जा रहा है, दैट इज गोइंग टू हैपन। बद्रीधाम विल बी वास्ता हुए, वो चला जाएगा प्राण। जो आपका केदारनाथ में जो फ्लड हुआ था उसी टाइम में, वो फ्लड वाटर क्या किया, बड़ा बड़ा पत्थर लाके साथ में आया, कुछ तो नीचे आ गया, कुछ पत्थर बीच में रुक गया, वो उधर दीवार जैसे हो गया। उस टाइम में पेपर में आया था न्यूज, उसका शायद 4-5 महीना बाद आया था कि उधर इतना पानी जमा हुआ है, अगर वो बंद टूट जाएगा वो बाढ़, उसमें जो बाहर आएगा उसमें कुछ नहीं रहेगा, सब चला जाएगा। तो बद्रीनाथ धाम के लिए, जोशी मठ के लिए, वो जो एरिया है उन लोग के लिए दो तो आपका ट्रबल है, एक अर्थक्वेक होगा, भूमिकंप होगा, उसमें टूट जाएगा, चला जाएगा, ठीक है, नहीं तो फ्लड में चला, ये जो फ्लड आएगा ऊपर से उसमें चला जाएगा, उसमें जाएगा। इसीलिए अभी जो अभी नया जगह में बद्रीनाथ दिखाई दे रहा है अभी उत्तराखंड में, भविष्य बद्री है, भविष्य बद्री वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका और तो 102 साल 3 साल पहले बाद जब प्रभु आएंगे और एक बार उस टाइम वो पूरा मूर्ति कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका ये मानना है कि मतलब ये कलयुग की अंतिम कालखंड की बात है, हाँ। तो उस समय ये सब होगा। ये अंतिम समय का बात है, तो उसका शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, शुरुआत 19 से हुआ है, 2019 से शुरुआत हो गया, 2019 से क्या हुआ था, 2019 से बहुत जगह में आपका नॉट ओनली उड़ीसा, आपका अमेरिका में, यूरोप में, बहुत सा कंट्री में तूफान आया था, उड़ीसा में आया था, उड़ीसा में आया था, जो कल्पवट टूट गया था, चक्रवात तूफान फनी उसका नाम था, चक्रवात तूफान आया था। तो दोस्तों श्री पुलिन बिहारी पंडा जो मालिका रिसर्चर हैं, 30 साल की उनके रिसर्च ये कहता है कि 2019 से ये सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि खाली उड़ीसा में ही नहीं, भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व की अनेक देशों में चक्रवाती तूफान, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो भूकंप हो, वो सब वो धीरे धीरे शुरुआत उसका हो गया था। खाली इतना ही नहीं, पूरी श्रीमंदिर की अगर मैं बात करूं, पूरी जगन्नाथ धाम की अगर मैं बात करूं, जो मालिका में लिखा था वही हुआ। मालिका में लिखा है, मैं उसको उड़िया में उस पद को मैं बोलता हूँ, इसके बाद मैं उसका हिंदी में ट्रांसलेशन बताऊँगा। मालिका में लिखा है, मोर कल्प बट जे भांगी पकाइब, इसका मतलब है महाप्रभु के जो कल्पवट है, पवित्र कल्पवट है, वो टूट जाएगा। नॉस्ट्राडमस ने भी वही बात कहे हैं, जो कल्पवट जब टूटेगा, जब आघात होगा, तब पूरे विश्व में मृत्यु के मौत के सिलसिले आरंभ हो जाएगा। इसका मतलब है 2019 में कल्पवट टूटा, फिर 2020 में कोरोना आ गया, पूरा विश्व जो है मृत्यु का तांडव दिखा। कल्पवट हम क्यों इसको कल्पवट बोलते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों बोलते हैं, ऐसा वट कहाँ नहीं है, ये एक वृक्ष है, एक वट वृक्ष है जो सदियों से है, उधर सत्य युग से है, वो कब से है उसका कोई मतलब कोई नहीं जानता उसको कब से है वो, जी बिल्कुल, लेकिन और उसके बहुत सारे खासियत भी है, उसके काफी सारे खासियत भी है, बहुत खासियत है उसमें, हाँ। सब वटर वृक्षों में सब आता है, शाखाएं आता है, नीचे लग के उसको स्तंभ जैसे काम करता है, हाँ। उसमें कोई उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड मेजर जिस चीज है, सब वृक्ष में जो पत्ता है उसका वो सूख जाता है, फिर नया पत्ता आता है, ये वटर वृक्ष का पत्ता कभी नहीं सूखता, बिल्कुल बिल्कुल, कभी एक सिंगल पत्ता सूख के नीचे गिरता है, जैसा ही है ऐसा ही है, कोई देखा नहीं, कोई पत्ता सूख के नीचे गिर गया, थर्ड थिंग है उसका पर कोई पक्षी नहीं बढ़ता है, सही ये खासियत तो क्योंकि वो सबसे पवित्रतम वृक्ष है, वो जगन्नाथ धाम का वृक्ष है, वो सबसे पवित्रतम वृक्ष है, और उसका नीचे कितना देवादेवी है उधर, हाँ मतलब पौराणिक मान्यता यही कि जो समंदर मंथन हुआ था तो वहाँ से निकला था कल्पवट, हाँ। तो सेम थिंग इज हैपेंस आल्सो इन जगन्नाथ टेम्पल, जी बिल्कुल बिल्कुल, जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता है, हाँ उसका छाया जो है वो भी नहीं दिखता है, जगन्नाथ उसका तो बहुत सा चीज है, शायद छाया नहीं गिरता है, जिस साइड से विंड आता है तो उसी साइड में उसका
उसके विपरीत पतंग उड़ता है। हाँ, उसका जो ध्वजा है उसके विपरीत दिशा में उड़ता है। ये बात भी है, काफी सारे इस विषय पर भी हम समुद्र से पवन आता है इन ध्वजा के समुद्र में गिरता है, पास में गिरता है। जी जी, ये कहीं नहीं देखेंगे आप, ये कोई विश्वास करे ना करे अलग बात है, लेकिन इस फैक्ट यही ओरिजिनल चीज। लेकिन अभी क्या हुआ, ये 4-6 महीने के अंदर मेरे ख्याल से दिसंबर में एक बार हुआ था, दिसंबर 7 तारीख में से हुआ था। हाँ, पहले बार चील, बहुत सा चील मंदिर के ऊपर उड़े, उसका मतलब क्या है? लगभग 8 महीने के बाद ऐसा हुआ, दोबारा हुआ। तो दोस्तों, मतलब मालिका रिसर्चर से पुलिन बिहारी पंडा ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी जगन्नाथ धाम से मिलेंगे बहुत सारे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों की संख्या में मिलेंगे नकारात्मक संकेत, जो हैरान कर देने वाले संकेत मिलेंगे और उसका हम आकलन कर नहीं पाएंगे कि समग्र जगत के ऊपर, समग्र विश्व के ऊपर क्या क्या होगा, क्या क्या आफत आने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं तो 2019 में आया था चक्रवाती तूफान फनी, फनी साइक्लोन में, जैसे कि मैं आपको बताया, कल्पवट जो है टूट गया था और उसके बाद पूरे विश्व में मौत की सिलसिला की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद जो ध्वजा है, मंदिर के जो ध्वजा है, वो उड़ के आके गिरा था समंदर के तट पर, ऐसा कभी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ। तो उसके बाद काफ़ी सारी संख्या में चील जो है मंडराए बिल्कुल जगन्नाथ मंदिर के ऊपर। कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि 2015 में भी ऐसा एक समय आया था, जो नील चक्र है वहाँ पर एक ईगल, वहाँ पर एक वृद्ध पक्षी यानी वल्चर जो है वो भी बैठा था। खाली इतना ही नहीं, उसके बाद कई सारे दुर्वृत्तों ने जो रोशशाला है जहाँ पर महाप्रसाद बनता है, जो चूल्हा को उन्होंने तोड़ दिए। उसके बाद मंदिर के बिल्कुल ऊंचाई पर जो है रत्न चांदुआ उसको बोलते हैं, वहाँ पर भी आग लग गया था। तो मंदिर में आग लगना, फिर पत्थर गिरना, फिर ध्वजा जाके समंदर पर गिरना, चील काफ़ी संख्या में उड़ना, तो ये सब नकारात्मक संकेत है। और ध्यान देने वाला बात यह है, मंदिर का ध्वजा में भी आग लगा था ना, मंदिर में ध्वजा में भी आग लगा था। तो ध्यान देने वाला बात यह है, जब जब मंदिर में इस तरह की नकारात्मक संकेत मिलते हैं, तब पूरे संसार को ये आफत मिलता है, ये संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई बड़ा घटना घटेगा, और वो हुआ। अगर ये जनवरी 7 वो दिसंबर महीने की बात है, उस समय भी जब मंदिर के ऊपर काफ़ी सारी संख्या में चील उड़े थे, हमारे जो तीन सेना के जो अध्यक्ष हैं बिपिन रावत जी का, आपने देखे कि हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका मौत हो गया। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जब जब जगन्नाथ धाम से संकेत मिलता है तब तब कुछ अनोखी घटना सामने आता है। ये आपका चील हो या कौवा हो, ये लोग एक एक चीज का प्रतीक है, एरोप्लेन का। नोस्ट्रोडामस वही प्रतीक लिया, जब वर्ल्ड वॉर होगा तो क्रोज विल फ्लाई इन द स्काई, वो लिखा है। कौवा लोग, कौवा सब ऊपर में उड़ेंगे, कौवा मतलब एरोप्लेन। अच्छा, दिस इज द सिंबल ऑफ एरोप्लेन, मतलब युद्ध का, महायुद्ध का समय आ गया। उसका वही एक मतलब है, रोशनशाला में चूल्हा टूट गया, आग लग गया जगन्नाथ जी का, उसका मतलब मेरे पास, अगर मेरे पास लिए अगर खाना नहीं है तो चूल्हा टूट गया है, आग लग गया है, किसी को खाना नहीं मिलेगा। 2023 से 2025 तक महादुर्भिक्षा आएगा सारा पृथ्वी में, कौन सा देश में कितना आएगा वो नहीं बता सकता, लेकिन सारा पृथ्वी में महादुर्भिक्षा आएगा। और हमारा इधर भी कुछ आएगा जरूर, इसमें कैसे नहीं कि इंडिया में कुछ नहीं होगा, जरूर सोचते कुछ नहीं होगा, तो पूरा कुल को बात अपना जाने, आई कैन टेल दैट। सूखा पड़ जाएगा, सूखा आएगा, एक भाग सूखा में जाएगा, एक भाग का पानी में जाएगा, है बनिया में जाएगा, पानी में जाएगा, हाँ फ्लड में जाएगा, महाप्रलय, जल प्रलय। तो आप फसल कहाँ से आएगा? नहीं, जो जल प्रलय के बारे में आपका क्या मानना है? जल प्रलय आएगा, लास्ट तीन बार आएगा, बोला ना आपको, तीन बार आएगा, अभी 23 से 28 के बीच में। नहीं, अभी अगर हम देखेंगे तो जैसे आप बोल रहे थे कि पूरा आधा भारत देखा जाए तो आधा भारत बिल्कुल अभी 2022 की में बात वो जो जो गया वो जो इसको प्रलय आप मत बोलिए, इज नॉट प्रलय, प्रलय नहीं है ये प्रलय नहीं। देखिए महाराष्ट्र है, बिहार हो गया, फिर ओडिशा हो गया, आंध्र, ये तो फ्लड है, वहाँ पर फ्लड है, इट इज अ फ्लड नॉट प्रलय।
प्रलय मीन समथिंग एल्स। अच्छा जल प्रलय नहीं है ये? तीन प्रलय होगा। क्या होगा ये प्रलय? जब जगन्नाथ जी पुरी धाम छोड़ेंगे उस टाइम समुद्र आएगा आपका 22-22 जो पाँच है उधर। हाँ 22 पाँच है वो डूब जाएगा पहला पुत्र। उतना हाइट में आएगा पानी। हाँ दोबारा जब प्रलय आएगा क्या होगा? गंगा जमुना महानदी उड़ीसा का तो इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। इतने पानी, इतना पानी आएगा सब इकट्ठा हो जाएंगे। सब समय समुद्र में भी प्रलय आएगा, सुनामी आएगा, सुनामी आएगा। टोटल चारों चीज मिल जाएंगे। पार्ट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया विल बी कंप्लीटली वॉश्ड आउट। ओके दैट मींस इट विल बी कंप्लीटली सबमर्ज्ड। दैट इज सेकंड प्रलय। थर्ड प्रलय व्हेन दैट एस्टेरॉयड विल फॉल, जब उल्कापिंड गिरेगा ओके समुद्र में, उसी टाइम थर्ड प्रलय फाइनल प्रलय जिसका लंबाई होगा वो खत्म कर देगा सब काम खत्म। नया चीज आएगा उसके बाद नया लैंड आएगा, नया देश आएगा, नया आकाश आएगा। ध्रुव तारा नहीं होगा, सप्तर्षि मंडली नहीं होगा। आप नया स्टार देखेंगे उधर उस टाइम में। सूरज आपका अस्त हो जाएगा पश्चिम में, उदय होगा पश्चिम में, अस्त होगा पूर्व में, अभय का पूर्व में। दिग बदल जस्ट चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, पूर्व पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम पूर्व हो जाएगा। दैट इज गोइंग टू हैपन। अब ये सब जो ये जो बात आप कह रहे हैं वो तो एक्चुअली में सुनने में काफ़ी डर लगता है। मेरे ख्याल से कई सारे हमारे दर्शक ये भी सोच रहे होंगे कि ये कुछ कहानी की बात कर रहे हैं। ये कहानी जो सोचते हैं सोचने दीजिए, जो लिखा हुआ है हम बोलता है। खाली पंचसगा नहीं, दशरामस भी वही लिखा है, बाबा बेंगा भी वही, बाबा बेंगा भी वही लिखा है। बाकी अदर जो है पंचसखा को मिला के और जो 70 अदर जो है महान सब लिखे हैं, उन्होंने भी यही बात बोली। हिंदुस्तान का जो सब स्टेट पे भी जो संत थे वो भी वही लिखे, सूरदास भी वही लिखे हैं। नया जग, नया युग आएगा, नया पृथ्वी आएगा, नया आकाशमंडल आएगा, वो भी वही लिखे, सूरदास जी लिखे हैं। ये अकेला पंचसखा बात नहीं है, तो हमको विश्वास करना पड़ेगा भैया। नहीं करे तो नहीं करे, आपका मर्जी। जब विश्वास करे करे, तो नहीं करे नहीं करे। लेकिन जो विश्वास करते हैं जैसा हो सकता है उन लोग के एक ही मैं उपदेश दूंगा कि आप अभी से प्रभु जी के शरण में रहिए, प्रभु जी को विश्वास करिए, प्रभु जी के पास पाँव में मन लगा के ध्यान करिए, तब जाके प्रभु आपको सेव करेंगे। इतना बड़ा बड़ा चीज घटेगा होगा, सब सारा पृथ्वी में होगा, तो ओनली ही कैन सेव यू, और कोई नहीं आपको सेव करने वाला। तो इतना ही आपको जरूर करिए, विश्वास करिए, प्रभु के पास शरण में रहिए, बस उसके बाद उसका ड्यूटी आपको सेव करना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुमूल्य समय दिए हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों को बहुमूल्य तथ्य भी आपने पहुँचाए। तो दोस्तों आप अभी सुन रहे थे मालिका के रिसर्चर श्री पुलिन बिहारी पंडा जी को। आपने जीवन का मूल्यवान 30 साल दिए हैं मालिका रिसर्च में। मालिका एक ऐसे महान ग्रंथ हैं, पंच सखाओं ने लाखों की संख्या में लिखे हैं मालिका, यानी किताबों की मालाएं जो भूत भविष्य और वर्तमान को दर्शाता है। खाली उतना ही नहीं, श्री पुलिन बिहारी पंडा जी का ये मानना है कि आने वाला समय काफ़ी कठिन होगा। ये सब बातें हम आपको डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जो पंच सखाओं ने मालिका किताब के माध्यम से लिखे हैं वो जन जन तक कैसे पहुँचे, वही हमारा प्रयास है। तो हमारे देश, हमारी वतन, हमारी समाज, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हम किसी भी कंपनी के द्वारा, किसी के द्वारा प्रायोजित नहीं है, अपितु मालिका को जन जन तक कैसे पहुंचाएं, मालिका को घर घर तक कैसे पहुंचाएं। एक पथिक की तरह हम पथ के अनुगामी हैं और यही हम सबके लक्ष्य होना भी चाहिए। तो कैसा लगा आज का ये एपिसोड, कमेंट बॉक्स माध्यम से लिखिए। और पुलिन बिहारी पंडा जी से आप मालिका के और किस किस विषय पर सुनना चाहते हैं वो सब बातें भी आप लिखिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। कोशिश करेंगे कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिले। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। शेष अवतार कल्की अवतार, कल्की अवतार किए, कल्की अवतारों का नाम कौन, प्रभु केउठी जन्म ने, प्रभु को चिन्हिबा पई कौन सब संकेत देखा मिलिब, मीन शनि जोग केबे हेबो, सात दिन सात राति अंधार केबे हेबो, 22 पहाचरे मीन केबे खेलिब,
केबे सरीब एही कलियुग ए समस्त विषय रे जानिबाकु चाहुछन्ति कि आपणंकर विश्वासर चैनल सत्यभंज प्रकाशित एवं श्री पुलिन बिहारी पंडाक लिखित कल्किलीला पुस्तक आज ही बुक करंतु 876314898 व्हाट्सएप नंबर रे।